चालीस हो जाती है, 143 का काम करते रहते हैं, मुझे जो है पढ़ाने का मौका नहीं मिला, इमारत का मौका नहीं मिला, किसी को मेरे पढ़ाने का मौका नहीं मिला, किसी को इमारत का नहीं मिला, किसी को दोनों नहीं मिला, तो किसी को दोनों नहीं मिला तो क्या उन्होंने गलती की? आपिस बनकर, आदि बनकर, मुफ्ती बनकर, और ये सब का कोर्ट पढ़ना छोड़ दें, आदि बनना छोड़ दें, मुफ्ती बनना छोड़ दें, तो इमाम की जगह नहीं मिलेगी, पढ़ाने की जगह नहीं मिलेगी, सुनाने की जगह नहीं मिलेगी, तो हम आदि क्यों बने? सुनाने के लिए बहुत सारी जगह है, मस्जिदें जो है छोटी पड़ जाएंगी, सुनाने वाले बहुत हैं, जितने भी उस्ताद हैं क्या सब लोग मस्जिद को सुना सकते हैं? ये जो है सर कई जमाने ये कमरे हो गए, सारे घर में उस्ताद होंगे, खवातीन तरावियां पढ़ती हैं हमारे घरों की, ईशा की नमाज पढ़ी आराम कर रही, अगर घर घर में हाजिर होगा और वो अपने घरवालों के साथ लेकर और खाने को लेकर अपने घर की चार दीवारी में जो खड़ा हो जाए और पसे करता घर की खवातीन जो है खड़ी हो जाए तो क्या माहौल बनेगा? तो मस्जिद में भी जो है कुरान की सदाएं खुल रही है और तमाम घरों में भी जो है खुल रही है और उसके साथ साथ खवातीन भी पढ़ रही है। हम लोगों को तो जो है मस्जिदों में मौका मिल जाता है पढ़ाने का, नमाज के साथ पढ़ने का, लेकिन खवातीन कहाँ जाए? अकेले जो है पढ़ा नहीं जाता है, बहुत तमीज खवातीन ऐसी होंगी जो तीन प्रकार पढ़ानी पड़ती होंगी ईशा की नमाज और फिर उसके बाद। अगर आप हाफिज बन गए, अगर आपको जो है मस्जिद में जगह नहीं मिल रही है तो आप अपने घर में खड़े हो जाइए, सुनाना ही तो है ना कुरान।